यहाँ पर हर किसी के दो चेहरे हैं, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। इस तरह की वीडियो सामने आ जाए ना तो हर कोई कहता है माशाल्लाह, काश मेरे पास भी होते। मगर जब वाकई में उनके घर अल्लाह की रहमत आती है तो घर के बड़ों को बुलवा कर गट्टू में फेंकवा देते हैं और गट्टू का शॉपर ऊपर से बंद करवाते हैं ताकि वो बच्चे कहीं रास्ता देख कर वापस घर ना आ जाए। जब मैं इस बिल्ली को अपने घर लेकर आया था ना तो मुझे किसी ने कहा था कि ना इसको फेंक दो, इसको एक काम करो वो साथ होटल है उसमें छोड़ आओ। इस तरह की बिल्लियाँ ना होटलों में रहती हैं। जब इसके बच्चे पैदा हुए ना तो लोगों ने बहुत पूछा, अरे तुम्हारी बिल्ली के तो बच्चे में हैं, कितने प्यारे होंगे। मैंने कहा स्ट्रे कैट के हैं। कहता नहीं छोड़ो, फेंक दो उनको। असल मज़ा तो पर्शियन कैट के अंदर है, वो लंबे लंबे बालों वाली, वो प्यारी प्यारी आंखों वाली। ये तो आवारा बिल्लियाँ हैं, इनको छोड़ दो, इनसे कौन प्यार करता है, इनसे कौन मोहब्बत करता है, ये तो पैदा ही जलील होने के लिए हुई हैं। अच्छा तुमने ये बच्चे रख तो लिए, अब खाना कैसे पूरा करोगे इनका। ये तो हैं भी आवारा बिल्लियाँ, इन पर तो पैसा खर्च करना ही फजूल है। चलो कोई खूबसूरत बिल्लियाँ होती तो बंदा पैसा खर्च करता, वह अच्छा भी लगता है। इन आवारा बिल्लियों के लिए अपने पैसे खर्च करोगे। सुने, अल्लाह ने इनका रिस्क मेरे घर में लिखा हुआ था और वो रिस्क अल्लाह ने खुद दिया था। मेरी क्या औकात कि मैं अल्लाह के रिस्क को कहीं और लगा दूँ। जो रिस्क अल्लाह की तरफ से आ रहा है और वो उन्हीं पर लगना है। जो उन पर लग गया तो मैं समझ जाऊँगा कि वो मेरा कभी था ही नहीं, वो अल्लाह ने उन्हीं के लिए भेजा था। और हमारे घर के बड़े क्या कहते हैं, अरे उसने हमारी मदद कर दी, अल्लाह का फरिश्ता। और अल्लाह की इस प्यारी मखलूक की मदद करने वाला जलील इंसान, उसको हम पागल कहते हैं। मैं आपके साथ एक बात दावे से कहता हूँ, ये माँ और इसके चार बच्चे ये आखिरत के दिन मेरी गवाही देंगे कि इसने हमें उस वक्त पनाह दी जब तेरे नमाजी, तेरे परहेजगार बंदों ने मुझे अपने घरों से निकाल दिया।